अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्दीकी सिंस। आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ और उस रेसिपी का नाम है कबाब पराठा। यस, मटन कबाब पराठा। बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही सिंपल बनते हैं और जो कबाब का हम पराठा बनाने वाले हैं उसकी रेसिपी मैंने अभी पीछे ही शेयर की थी, तो आप वहाँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, तो आप वहां से उस कबाब की रेसिपी भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी को, तवा कबाब पराठा विद होममेड क्रीम चीज़ फिलिंग। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए, हमें दो तैयार करना है, जिसके लिए मैंने तकरीबन एक कप मैदा यहाँ पर ली है और उतनी ही क्वांटिटी में आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी, सिर्फ पूरी मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैदा थोड़ी सी अनहेल्दी होती है इसलिए मैं आटे को मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारी मैदा हमारे हम कंज्यूम ना करें। ये हमने ले लिया है, इसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से नमक डाल देंगे। और ये ऑयल लिया है, इसमें हम ऑयल डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ये तकरीबन मैंने दो बड़े चम्मच तेल लिया है जिसको हम इसमें डाल देंगे और बैटर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हम बैटर तैयार करते हैं। जो इसका डो आपको तैयार करना है वो डो ना ही बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, तो आप पानी इसी हिसाब से डाल के इसको डो तैयार कीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा ना सख्त बने और ना ही ढीला हो। गाइस, हमारा आटा गूंथकर तैयार हो चुका है, हमने इसे तकरीबन एक घंटे के लिए रख दिया था ऑयल लगाकर फ्रिज में। ये बिल्कुल सेट हो चुका है और ये जो हमने फिलिंग इसके में हम डालेंगे, होममेड चीज़ क्रीम फिलिंग, ये भी हमने, जैसे कि होममेड है ये हमने बनाई है। इसका, इस रेसिपी का आपको, ये रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमने वहाँ पर इसका लिंक डाल दिया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। और ये हमने कबाब फिलिंग तैयार कर ली थी, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं कि कैसे हमने ये तवा कबाब की जो रेसिपी हमने वहां पर डाली हुई है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पराठे बनाने। तो सबसे पहले आप बॉल्स बना लेंगे, जो भी साइज़ का आप पराठा बनाना चाहें आप उस साइज़ की उतना आटा लेकर उसकी बॉल्स तैयार कर लें। आटा एकदम सॉफ्ट, बहुत बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत अच्छे से सेट हो चुका है डो हमारा। ये हमने तैयार कर लिए, चलिए अब हम आगे अपने किस तरीके से हमें पराठा बनाना है इस तरीके से आप एक इसको बेल सकते हैं। अब हम इसमें हमारे कबाब की जो फिलिंग है हम वो डालेंगे। और इसके अंदर हम ये जो हमने बनाया है क्रीम चीज़, इसको हम उसकी हम क्यूब लेकर हम उसे बना लेंगे, डाल देंगे और फिर हम इसके बाद इसको इस तरीके से करके ये देखिए गाइस, ये तैयार हो गया है।
इसको हाथ से ऐसे प्रेस कर करके इक्वली हम वो कर लेंगे, और फिर हल्के हल्के हाथ से हम इसको फैलाएंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया। ऐसे ही हम और भी पराठे तैयार कर लेते हैं। पहले देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने इनको इतने बड़े बड़े ये फिलिंग करके तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक करके गूंथते जाएंगे, बेलते चले जाएंगे और पराठों को सेकते चले जाएंगे। जैसे एक मैंने तैयार किया हुआ है, इसको हम डाल देंगे। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है पराठा अभी देखने में। अब हम दूसरी तरफ पलट दिया है और इधर भी हम ऑयल लगा देते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा कलर आ गया है पराठे में। ऐसे ही इसको थोड़ा सा पलट पलट के क्रिस्पी हम कर लेंगे। ये देखिए कितना यमी दिख रहा है ये। अब हम इसको उतार लेते हैं। कितना अच्छा फूल गए हैं हमारे पराठे, अच्छा कलर आ गया है, क्रिस्पी दिख रहे हैं। ये हम उतार लेते हैं। देखिए गाइस हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। मटन कबाब पराठा विद होममेड क्रीम चीज़ फिलिंग, कितने यमी दिख रहे हैं। जल्दी से हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे शेयर कीजिए।